गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वितिका माई ब्यूटीफुल गार्डन से। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे यहाँ से मॉर्निंग का माउंटेन व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही एक प्यारे पौधे से आपको मिलाती हूँ जो समर सीजन के बहुत ही सुंदर प्लांट है और बहुत ढेरों सारे फ्लावर्स खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जो प्लांट है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो आज इस प्लांट की थोड़ी सी केयर के बारे में बताऊंगी और ये कटिंग से कैसे ग्रो होते हैं और सीड से भी कैसे ग्रो करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले कि फ्रेंड्स, इस प्लांट को कोसंडा और हिंदी में अबोली और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर्स है। पहले फ्लावर्स दिखा देती हूँ। देखिए गुच्छों में खिलते हैं और कलर ऑरेंज कलर में, और इसके दो तीन कलर मिलते हैं लेकिन मुझे ऑरेंज कलर अच्छा लगा तो मैंने ऑरेंज कलर लगा दिया। तो फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स हैं ये साउथ में साउथ की लेडीज इन फ्लावर्स की गजरा बना के यूज करती है, तो उनको बहुत पसंद है इन फूलों से गजरा तैयार करके वो गजरा का यूज करती है। तो फ्रेंड्स, और इस प्लांट की एक खासियत ये है कि फ्रेंड्स, जैसे सदाबहार या बिनका के बारे में आप जानते हैं वैसे ही है सेम ये। तो इसे एक बार अगर आपने अपने गार्डन में ऐड कर दिया तो कभी ना सूखने वाला प्लांट है ये, और ये बढ़ता ही रहता है क्योंकि इसके सीड से जहाँ गिर जाते हैं वहाँ से एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। और मैं दिखा रही हूँ मैंने इस प्लांट से कितने सारे प्लांट तैयार कर रखा है, तो चलिए पहले वही दिखा देती हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कितना छोटा सा एक प्लांट है और फ्लावर देखिए कितने सारे भरे हुए हैं और गुच्छों में खिलते हैं इसके फ्लावर्स। अच्छा, मैंने इसे सीड से ग्रो किया है तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर ग्रो हो जाता है। तो ये आपके गार्डन में ये फैलता ही रहता है। अगर आप इसे ग्राउंड में लगाएंगे तो ये बहुत तेजी से फैलता है। जैसे मैंने इसी के पास उसी गमले को रखा था, उसकी सीड से उड़ के यहाँ गिरा तो यहाँ से एक न्यू प्लांट तैयार हो गया। और मैंने नीचे भी लगा रखा है। अभी मैं टॉप फ्लोर में वीडियो बना रही हूँ तो पहले टॉप फ्लोर का दिखा देती हूँ। और इसके साथ और एक है, ये देखिए ये भी है क्रोसेंडा का। इसे मैंने कटिंग से बरसात में सक्सेस किया लेकिन इसमें अभी फ्लावर्स तो आए नहीं है। ये केयर कम केयर के बाद ये बोलूँ तो इसे गर्मियों में, आपको पता है फ्रेंड्स जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो प्लांट्स को थोड़ी सी शेड एरिया में रखना पड़ता है और पानी टाइम टू टाइम देना चाहिए और फर्टिलाइज़र भी। खास तौर से जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलाइज़र 15 डेज के अंतर में देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे फ्लावर्स से बहुत ढेरों सारे खिले और उसमें रंगत बनी रहे। तो मेरे जो ये प्लांट है फ्रेंड्स, तो मैं इनको महीने में दो बार फर्टिलाइज़र ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इनको फॉस्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं इसे दोनों मात्रा में पूरा करती हूँ, दोनों इनको देती हूँ। और फ्लावर की बात बोलूँ तो फ्रेंड्स, इसमें से ये देखिए यहाँ से फ्लावर आना शुरू कर देता है। ये खिलते 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 ये ऊपर तक पहुँचता है। जब ये पूरा तरीके से ये फ्लावर बंद हो जाता है उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर एक सीड पॉट तैयार होता है, जैसे ये गेहूँ की बाली की तरह। ये देखिए लुक वाइज वैसा है। तो तब जाके ये सीड पॉट तैयार हो जाता है। और देखिए इसमें सीड तैयार भी हो रहे हैं, तो मैं दूसरे वाले में दिखा देती हूँ दूसरे प्लांट से। जैसे ये देखिए सीड पॉट तैयार हो रखा है। ये देखिए ग्रीन कलर है अभी, ये सीड अभी पके नहीं है। जब ये पूरी तरीके से पक जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है और मैं इसी को यहीं से काट के अपने गमले में डाल देती हूँ। प्लांट तैयार हो जाता है और मैंने तैयार भी कर रखा है, ये देख सकते हैं आप। छोटा छोटा सा ये प्लांट है। ये अगर आपको सीड पॉट अभी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी सीड पॉट्स अगस्त सितंबर तक तैयार होते रहते हैं। जैसे ये मेरा ये सीड पॉट तैयार है, मतलब यहाँ से फ्लावर्स खत्म हो गए तो मैं यहाँ से पिंचिंग कर दूंगी। तो यहाँ से एक ये देखिए निकल भी रहा है। तो यहाँ से पिंचिंग करने से क्या होता है, इसको बहुत जल्दी ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है तो ये तेजी से बढ़ जाता है। तो यहाँ से फिर ये फ्लावर एक तैयार हो जाता है। इनकी फ्लावर्स जो खिलते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं और सितंबर तक खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियों में डोरमेंट हो जाती है, तो सर्दियों में ये बेजान होते हैं, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है।
तो कोई बात नहीं है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जैसे ही ये सीजन स्टार्ट हो जाता है मार्च अप्रैल, तब से इसमें न्यू ब्रांच और पत्तियाँ इनकी हरी होना शुरू कर देता है। और फ्लावर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्लावर्स ढेरों सारे खिले रहते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इसे पानी आप जैसे आपका आप जिस एरिया में रहते हैं उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें पानी दीजिए। जैसे मेरे यहाँ का टेम्परेचर 30, 35, 36 तक ही पहुँचती है, तो मैं एक ही बार इसे पानी देती हूँ। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसमें पानी दीजिए। जैसे देखिए मेरी सॉइल ये ड्राई नहीं है, मैंने इसमें रात को ही पानी दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी दीजिए। और प्रूनिंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स, जैसे विंटर ख़त्म हो जाता है फरवरी में, इसकी प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। प्रूनिंग करने से यह होता है कि न्यू ब्रांच जल्दी निकल जाते हैं और फ्लावर निकलने के चांसेस बहुत अधिक होती है। और प्रूनिंग करने के बाद एक बात यह कि इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। विंटर में इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फ्लावर टाइम में आप फर्टिलाइज़र इसे महीने में दो बार दीजिए तो बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। और सनलाइट की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इनको सनलाइट पसंद नहीं है, इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मॉर्निंग की सनलाइट बहुत पसंद है, तो अगर आप अपना गमला ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ मॉर्निंग की 2 घंटे की या 1 घंटे की सनलाइट हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा। और विंटर में इनको सनलाइट में रखिए, विंटर में इनको सनलाइट बहुत पसंद होती है, तभी ये प्लांट मतलब बहुत अच्छा रहता है, सूखते नहीं है। तो इसे विंटर में धूप में रखिए और समर में धूप में मत रखिए। और सॉइल की बात करूं तो फ्रेंड्स, जैसे मैं पॉटिंग मिक्स सॉइल जैसे तैयार करती हूं हर पॉट की, तो वैसे ही आप तैयार कर सकती हैं। फ्रूसेंडा एक बहुत ही मशहूर फ्लावर प्लांट है, इस सीजन एक बार लग जाता है तो ये फैलता ही जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई प्लांट जरूर लगाइए। तो मैं ऐसी नई नई प्लांट लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स, बाय बाय फ्रेंड्स।